केएल राहुल क्या सच में ले रहे हैं रिटायरमेंट? आइए जानते हैं। केएल राहुल की रिटायरमेंट की खबर सुनकर जब लोगों की सांसें थम गई, कुछ लोग तो कहने लगे कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। लेकिन हम बता दें कि आज केएल राहुल के रिटायरमेंट की खबर बड़ी ही ट्रेंडिंग के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस रिपोर्ट को रिपोर्टर टेलीकास्ट करना चाहता है और अपने कैमरे में शूट करना चाहता है। ये रिपोर्ट आज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बन चुकी है, जहां अभी हाल ही में ने केएल राहुल श्रीलंका दौरे पर खेलते देखा था, वहीं आज कुछ ऐसा हो गया है जिस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या श्रीलंका दौरा हारने के एक हार का इतना बुरा फर्क पड़ा है कि केएल राहुल ने अपने बल्ले से सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं और संन्यास लेने की बात करने लगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता और मैं इन सब बातों पर बिलीव भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स की माने तो केएल राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसी स्टोरी लगाई है जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि केएल राहुल बहुत ही जल्द हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले ले। मुझे तो नहीं लगता कि केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी में वो सब है जो एक प्योर बल्लेबाज में होता है। खिलाड़ी ने इंडिया से ओपनिंग की है, 4 नंबर पर भी खेला है और 5 नंबर पर भी खेला है। इंडिया ने जहां कहा उसने वहां पर रन बनाए हैं। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर न जाने कैसी कैसी बातें हो रही हैं। इन सब बातों से केएल राहुल एक बार फिर से चर्चा में आ गए। कुछ हेटर्स ने तो केएल राहुल का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया उन्हें आगे से आगे खिलाना चाहती है। तो उनसे अच्छा 5 नंबर का बल्लेबाज टीम इंडिया को वनडे में नहीं मिल पाएगा। हां, ये हो सकता है इंडिया केएल राहुल को T20 में कभी ना खिलाए, लेकिन वनडे और टेस्ट से केएल राहुल को कोई बाहर नहीं कर सकता। 2023 के वर्ल्ड कप की उनकी परफॉर्मेंस जाके देख लो। वही एक खिलाड़ी था जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल तक कोहली और रोहित के बाद ऑस्ट्रेलियन का हिम्मत से सामना किया था और टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। वो बात अलग की है, टीम इंडिया उस मैच को नहीं जीत पाई और वर्ल्ड कप को हार गई। तो आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल को संन्यास लेना चाहिए, क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? जैसा भी हो कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तक के लिए बाय बाय दोस्तों।